नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में फ्राइडे को लगातार दूसरे दिन हमें तेज़ी देखने को मिली है और बाज़ार में जारी इस तेज़ी में खबरों के दम पर स्टॉक एक्शन दिखा रहे हैं। एक ऐसा स्टॉक है जो कि आईटी सेक्टर का है, जिसका नाम है TCS। दोस्तों, टाटा ग्रुप की इस दिग्गज शेयरों में तेज़ी वाले बाज़ार में हमें नरमी देखने को मिल रही है। दरअसल शेयर को लेकर बड़ा ट्रिगर है, कंपनी के CEO राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है और अब TCS के नए CEO हैं के कृतिवासन। दोस्तों, फेरबदल होने के बाद 5 दिग्गज फर्म ने इस पर यानी कि TCS पर स्ट्रेटेजी दी है। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में TCS का शेयर है या फिर शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ जान लीजिए कि ब्रोकरेज फर्म की क्या स्ट्रेटेजी है। तो पहले जान लेते हैं कि ब्रोकिंग हाउस CLSA का क्या कहना है TCS के ऊपर। तो CLSA ने इस पर आउट ऑफ परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसका टारगेट 3,550 रुपये का दिया है। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक मैनेजमेंट में चेंजेस की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और हाँ, ये जो चेंजेस हुआ है इससे बिजनेस पर मामूली सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहीं मॉर्गन स्टेनली ने भी इसका टारगेट 3,350 रुपये का दिया है, हालांकि रेटिंग इक्विवेलेंट है। मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक CEO का इस्तीफा सरप्राइजिंग रहा और इसका असर कुछ दिनों तक रह सकता है, हालांकि ट्रांजिशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है, लेकिन शेयर आने वाले कुछ महीनों तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस स्टॉक को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम TCS के नए CEO कृतिवासन के बारे में बात करें तो वो TCS के साथ 22 साल तक जुड़े हुए हैं। हालांकि सवाल ये आता है कि आखिरकार पुराने CEO ने TCS कंपनी को क्यों छोड़ा, क्या TCS कंपनी में कोई दिक्कत है? तो इस पर TCS के पुराने CEO राजेश गोपीनाथन ने कहा कि कंपनी के पास बेहतर वर्कफोर्स है, TCS के साथ सफर शानदार रहा, कंपनी छोड़ने के लिए इससे बेहतर समय नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कंपनी छोड़ने को लेकर एन चंद्रशेखर के साथ बातचीत लंबे समय से कर रहा था, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, देखा जाए तो कंपनी के शेयर पर इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और अगर इसका कुछ इंपैक्ट पड़ता भी है इसके शेयर पर तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास TCS के कितने शेयर हैं और आपको इसके शेयर में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।